Hello everyone, welcome to EduMantra. My name is Pallavi Ahir Rao and today we are going to learn the chapter The Rat Trap. This story was written by Selma Lagerlöf. So, ये एक स्वीडिश राइटर है जिनकी जो स्टोरीज है काफ़ी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी है. सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ रैट ट्रैप सेलर एंड हिज एक्सपीरियंस. सो टू स्टार्ट विद द चैप्टर, देयर वाज अ रैट ट्रैप सेलर हु सोल्ड रैट ट्रैप्स मेड अप ऑफ स्टोलन मटेरियल. एक रैट ट्रैप सेलर होता है जो यहाँ वहाँ से सामान चोरी करके उसका रैट ट्रैप्स बनाता है एंड यूज टू सेल देम. पर शायद उससे इसका पेट नहीं भर पाता या वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता था, इसलिए वो छोटी मोटी चोरियाँ भी किया करता था. ही वॉज अ वैगाबॉन्ड एंड थॉट ऑफ द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप. तो वो एक वैगाबॉन्ड था, उसका कोई ठिकाना नहीं था, वो बस यहाँ वहाँ भटकते रहता था और वो सोचता था कि दिस वर्ल्ड इज लाइक अ रैट ट्रैप. यहाँ पर कोई भी फंस जाएगा, दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ बैड पीपल और यहाँ पर हमेशा बुरी चीज़ें होती हैं. ही थिंक्स सच बिकॉज उसके साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया जाता था. जैसे एक भिखारी होता है, उसके साथ कोई अच्छे से ट्रीट नहीं करता, उसे हमेशा भगा दिया जाता है, वैसा ही कुछ बर्ताव इसके साथ भी होता था. और उसे ये लगता था कि दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ बैड थिंग्स और उसमें कोई भी जाके फंस जाता है, जैसे एक चूहा एक रैट ट्रैप में फंस जाता है. सो वन इवनिंग ही आस्क फॉर शेल्टर टू एन ओल्ड मैन. तो बस एक दिन भटकते भटकते रास्ते के किनारे घर के पास वो जाता है और वहाँ एक ओल्ड मैन रहता है. तो वो उन्हें पूछता है कि क्या वो एक दिन के लिए उसे शेल्टर दे सकते हैं, क्या रात भर वो वहाँ सो सकता है. तो जो बूढ़ा आदमी होता है वो अकेला उस घर में रहता है, तो वो उसे वेलकम करता है और वो उसे घर में रहने की जगह देता है. ही ऑफर्स हिम फूड एंड दे बोथ स्मोक टबेको टुगेदर. और वो रात को एंड एट द नाइट दे प्ले अ गेम ऑफ कार्ड्स कॉल्ड मेजोलिस. तो वो ऐसे ही कुछ अपना वक्त गुजारते हैं और जो बूढ़ा आदमी होता है वो उसे यहाँ वहाँ की बातें बताता है. वो उसे बताता है कि वो पहले एक आयरन मिल में काम किया करता था, बट अब जब वो बूढ़ा हो चुका है तो उसमें वो फिजिकल कैपेसिटी नहीं रही कि वो एक आयरन मिल में काम करे, तो वो अपने काऊ पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है. वो उसे बताता है कि उसकी काऊ काफ़ी क्रीमी मिल्क देती है और जिससे उसने लास्ट मंथ 30 क्रोनर्स कमाए हैं. तो क्रोनर इज़ लाइक अ फॉर्म ऑफ करेंसी, जैसे इंडिया में रुपीज़ होता है तो उस जगह क्रोनर इज़ अ फॉर्म ऑफ करेंसी. तो वो बताता है कि उसने लास्ट मंथ 30 क्रोनर्स कमाए. तो उसके घर की विंडो के पास एक पाउच लटका होता है, वो उसमें से वो वहाँ जाता है, वो पाउच उठाता है और उसमें दिखाता है कि देखो मैंने इतने पैसे कमाए, और वो पैसे वापस रख कर उस पाउच को वहाँ वापस रख देता है. तो वो रात को दोनों सो जाते हैं. अगली सुबह दोनों तैयार हो जाते हैं अपने अपने काम पर जाने के लिए. द रैट ट्रैप सेलर इज रेडी टू गो ऑन हिज वे. और जो ओल्ड मैन होता है वो अपनी गाय की देखभाल के लिए या उसका टू मिल्क हिज काउ, ही गेट्स रेडी टू मिल्क हिज काउ एंड गो देयर. तो वो दोनों रेडी होके निकल जाते हैं. पर कुछ देर बाद जो रैट ट्रैप सेलर है वो वापस आता है. वो उस घर के सामने खड़ा होता है, वो अंदर नहीं जाता पर वो विंडो तोड़ देता है, उसमें से हाथ डाल के वो जो लेदर पाउच उसने जो उस बूढ़े आदमी ने उसे कल दिखाया था या उस पिछले दिन दिखाया था वो चोरी कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है. तो उसे बहुत खुशी होती है कि उसने कितने स्मार्टली पैसे चुरा लिए और वो बहुत प्राउड फील करता है. तो वो जैसे ही उस रास्ते पर चलता है उसे रियलाइज़ होता है कि अगर ये यहाँ से जाएगा तो शायद पुलिस उसे पकड़ लेगी या कोई भी उसे पकड़ने आ जाएगा. तो वो सोचता है कि वो जंगल के रास्ते से जाए. तो जब वो जंगल के रास्ते से जाता है तो बहुत देर तक वही घूमता रहता है और उसे बाद में पता चलता है कि वो रास्ता भटक चुका है. तो वैसे ही घूमते घूमते उसे शाम हो जाती है और वो थका हारा एक झाड़ के पास बैठ जाता है. अचानक उसे हैमर ठोकने की आवाज़ आती है. वो उस जगह जाता है और उसे पता चलता है कि उस जंगल के पास में ही अंदर ही एक छोटा सा आयरन मिल है जहाँ पर अभी काम चल रहा है. तो उस आयरन मिल में जाता है. तो जिस समय ये सब हो रहा है वो ठंडी के दिन होते हैं, दैट इज़ दी विंटर टाइम. और वो सोचता है अगर वो आयरन मिल में रहेगा तो उसे थोड़ी गर्माहट थोड़ी वार्मथ मिलेगी. तो वो जब वहाँ जाता है तो वहाँ जो ब्लैकस्मिथ होता है वो उसे पूछता है कि क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ. तो ब्लैकस्मिथ उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और वो बस अपनी गर्दन हिलाकर उसे हाँ कह देता है. तो वहाँ वो लेट जाता है. कुछ देर बाद उस आयरन मिल का जो ओनर होता है वो वहाँ आता है फॉर हिज नाइट इंस्पेक्शन.
वो देखने आता है कि काम कैसे चल रहा है इन दी आयरन मिल। तो अचानक उसकी नज़र उस रैटअप सेलर पर जाती है। जैसे वो रैटअप सेलर को देखता है, वो उसे बोलता है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने आर्मी छोड़ दी क्या? तो रैटअप सेलर समझ नहीं पाता कि ये बोल क्या रहा है। तो बाद में उसे समझ में आता है कि उस आयरन मास्टर को गलत फहमी हो चुकी है। वो उस रैटअप सेलर को गलती से अपना एक रेजिमेंट का पुराना साथी कैप्टन वॉन स्टेल समझ लेता है। वो अंधेरे में उसका चेहरा इतना ठीक से नहीं देख पाता, तो इसलिए वो उससे समझने में या उस रैटट्रैप को पहचानने में गलती हो जाती है। तो वो उसे कहता है कि अरे वैसे भी कल क्रिसमस है, तुम मेरे घर चलो, और वैसे भी तुम्हारी कंडीशन बहुत ख़राब है, तो तुम मेरे साथ कुछ दिन रहो और फिर हम लोग थोड़ी बातें बातें करेंगे और फिर तुम अपने रास्ते चले जाना। पर वो मना करता है। रैटट्रैप सेलर कहता है कि मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ, क्योंकि वो सोचता है अगर ये इसके साथ जाएगा तो शायद वो कुछ और मुसीबत में फंस सकता है। तो वो उसे बार बार मना करता है। तो जो आयरन मास्टर है, उसे लगता है कि शायद ये मेरे साथ आने में एम्बेरस्ड फील कर रहा हो, तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रैटट्रैप सेलर सुकून से सो जाता है। पर थोड़ी देर बाद एक लड़की आती है जिसका नाम होता है एडला विल्मिनसन। ये उस आयरन मास्टर की बेटी होती है। वो उस रैटट्रैप सेलर को उठाती है, तो रैटट्रैप सेलर बहुत चौंक जाता है। ही इज़ वेरी अफ्रेड। उसे देखकर वो कहता है कि तुम कौन हो? तो वो कहती है कि मेरा नाम एडला विल्मिनसन है, मैं आयरन मास्टर की बेटी हूँ और मैं तुम्हें अपने घर साथ में ले जाने के लिए आई हूँ। वैसे भी कल क्रिसमस है, तो तुम हमारे साथ सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? तो वो बहुत डरा हुआ होता है। उसे देखकर एडला को ऐसा लगता है कि शायद ये कहीं से भागा हुआ है, शायद ये जेल में से फरार है। तो वो उसे कहती है कि तुम हमारे साथ चलो, पर तुम जब भी चाहो तुम वहाँ से जा सकते हो, हम तुम्हें रुकने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। तो जो रैटट्रैप सेलर है उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो अगली सुबह क्रिसमस होता है और ब्रेकफास्ट पे एडला विल्मिनसन और उसके फादर के बीच में बात होती है। एडला विल्मिनसन कहती है कि उस आदमी को देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो कोई कैप्टन है। पर आयरन मास्टर कहता है कि नहीं, जब वो अच्छे से तैयार होकर आ जाएगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो मेरा दोस्त कैप्टन वॉन स्टेल ही है। तो जैसे ही वो एंटर करता है, जैसे ही रैटट्रैप सेलर एंटर करता है, तो आयरन मास्टर पहचान लेता है कि ये मेरा दोस्त नहीं है और वो उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। तो रैटट्रैप सेलर जैसे ही निकलने वाला होता है, तभी एडला विल्मिनसन उसे रोक लेती है। वो अपने फादर से कहती है कि चाहे ये कैप्टन वॉन स्टेल क्यों ना हो, पर वैसे भी आज क्रिसमस है, तो हम किसी भी इंसान को ऐसे जाने नहीं दे सकते। वो चाहती है कि क्रिसमस वो लोग साथ में सेलिब्रेट करें। वो कहती है कि वैसे भी ये आदमी साल भर भटकते रहता है, उसे शायद हम एक ऐसा दिन दे सकें जो वो अच्छे से इंजॉय कर सके। तो आयरन मास्टर के बहुत मना करने के बावजूद वो उन्हें कन्विंस कर लेती है। सो जो रैटट्रैप सेलर है वो अपना क्रिसमस उनके साथ सेलिब्रेट करता है। ही इन्जॉयज द ब्यूटिफुल लंच एंड द डिनर एंड द गिफ्ट दैट एडला विल्मिनसन हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर हिम। तो ऐसे उनके क्रिसमस सेलिब्रेट होता है। सो नेक्स्ट डे जब एडला विल्मिनसन और उसके फादर चर्च जाते हैं, तो उन्हें चर्च से ये बात पता चलती है कि कल रोड साइड में रहने वाले बूढ़े आदमी के घर चोरी हुई थी, जो एक रैटट्रैप सेलर ने की थी। तो तब उन्हें रियलाइज होता है कि उनके घर में जो आदमी रह रहा है वो एक चोर है। तभी वो जल्दी से चर्च से निकल के जब घर जाते हैं, तो घर पहुँचते ही आयरन मास्टर अपने सर्वेंट से पूछता है कि वो रैटट्रैप सेलर कहाँ है। तो सर्वेंट उसे बताता है कि वो तो चला गया, लेकिन उसने एक पैकेट छोड़ा है फॉर एडला विल्मिनसन। एडला विल्मिनसन उस पैकेट को खोलती है, तो उसमें एक रैटट्रैप और एक लेटर होता है। तो वो जब रैटट्रैप को देखती है और फिर बाद में लेटर पढ़ती है, तो उस लेटर में रैटट्रैप सेलर उसे थैंक्स करता है फॉर ट्रीटिंग हिम सो वेल, एंड ही सेज कि यू ट्रीटेड मी एज अ कैप्टन इवन दो आई वॉज नॉट अ कैप्टन, सो आई डोंट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस बिकॉज ऑफ अ थीफ लाइक मी। तो वो उस एनवलप में जो 30 करोड़ उसने चुराए होते हैं वो रख देता है और वो कहता है कि वो उस बूढ़े आदमी को आप वापस कर दीजिए। वो नीचे लिखता है कि दिस रैटट्रैप इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम अ रैटट्रैप सेलर, जो सोचता था कि दिस वर्ल्ड इज़ अ रैटट्रैप, बट आपकी वजह से मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि सारे लोग इतने बुरे नहीं हैं। और नीचे वो वॉन स्टेल के नाम से साइन करता है। तो
तो वो लेटर वो कैप्टन वॉन स्टेल के नाम से इसलिए साइन करता है क्योंकि एडला विल्मिंसन उसे कैप्टन ना होने के बावजूद भी अच्छे से ट्रीट करती है जस्ट लाइक एनी अदर ह्यूमन, इसलिए वो चाहता है कि वो भी उसे एक कैप्टन की तरह ट्रीट करे और उसे रिस्पेक्ट दे। तो हमारे चैप्टर में बस इतना ही था। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।